कोरोना वायरस से बचाव में मास्क पहनना एक बेहद कारगर उपाय बनकर उभरा है। वहीं कुछ लोगों को मास्क पहनने से सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चश्मा लगाते थे, उन्हें मास्क पहनने की वजह से उनके चश्मे पर भाप बनने जैसी समस्या होने लगी थी। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मास्क बना दिया है जिससे आपकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से बताएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मास्क की खूब तारीफ की है और उसके साथ ही उन्होंने ये मास्क पहन भी लिया है। इस मास्क की कई खासियतों में से एक खासियत यह भी है कि यह आसानी से धोए जा सकते हैं। इस मास्क को बनाया है चंडीगढ़ की सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चंडीगढ़ के अपने दौरे के दौरान सेक्टर 30 स्थित CSIO पहुंचे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटेलिजेंस सेंसर्स प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन लेबोरेटरीज के जरिए हमारा जीवन आसान बनेगा। इन लेबोरेटरीज में देश के दुश्मनों का पता लगाने से लेकर कोरोना वायरस तक से लड़ने के लिए विशेष उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। बता दें कि चंडीगढ़ की सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मास्क को तैयार किया है। CSIO की वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता मेहरा ने इसे पॉलीमर से बनाया है। इस मास्क की खूबी यह भी है कि यह चारों ओर से बंद है, लेकिन इसको लगाने के बाद भी सांस नहीं फूलती, वहीं सांस छोड़ने के बाद भी भाप जमा भी नहीं होती। ड्रॉपलेट आदि इस पर गिर जाता है तो उसको आसानी से धोया भी जा सकता है। सबसे खास बात यह भी है कि यह पारदर्शी है, इससे लोगों के पूरे चेहरे को साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। यह एयरपोर्ट आदि जगहों पर सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। CCTV कैमरे आदि में भी मास्क लगाए व्यक्ति की तस्वीर साफ आ जाएगी। बता दें कि इसका पेटेंट भी फाइल करा दिया गया है। फिलहाल इस मास्क की कीमत 150 से 200 रुपए के बीच लगाई गई है। बाजार में आएगा तो और भी सस्ता हो जाएगा। बता दें कि इस लेबोरेटरी में मास्क के अलावा चश्मा भी तैयार किया जा रहा है। इसको लगाने के बाद आंखें पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती हैं। इसकी भी कई खूबियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी लागत भी 250 रुपए के आसपास ही होगी। तो जैसे ही ये मास्क बाजार में आता है, आप इसको सस्ते दामों में खरीद भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।